मैं पुलक सागर कहता हूँ कि जिंदगी का सही आनंद लेना है और कहना छोड़ो और बस कहना शुरू कर दो, जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात हो जाएगी। कभी तो बोला करो बस कर मेरे परमात्मा, मंदिर जाते हो भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, जब देखो तब दरबार में भगवान के दरवाजे पर हाथ फैलाए भिखारियों की तरह खड़े रहते हो। अरे कभी तो मंदिर गुरुद्वारा चर्च में जाओ और जाकर के कहना भगवान तूने बहुत दिया है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, बस भगवान बस। नहीं, अभी ज्ञान गंगा महोत्सव समाप्त होने वाला, और बढ़ाओ, और महावीर और बढ़ाओ। अरे बस तो बोलो कि अब बस करो महाराज, बहुत हो गया, हम सुधरने वाले नहीं हैं। ध्यान रखिए, 4 महीने भी बोलूं तो हम तो ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे। ध्यान मानने पर सोचना है, विचार करना है आपको। मन कभी नहीं भरता, मन तृप्त नहीं होता, मन अतृप्त हुआ करता है। मन को कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप देना पड़ेगा ना। बाजार जाते हो रोज नई नई चीज आती है बाजार में, कितनी चीज खरीदोगे? मोबाइल हर 1-2 महीने में नया आ जाता है, अभी छोड़ो नया ले आओ। बाइक नई आ जाती है, हर चीज नई आ जाती है, बाजार में जाओ हर चीज नई मिलेगी, कितना खरीदोगे? कपड़े नहीं मिलेंगे, फैशन नहीं मिलेगी, डिजाइन नहीं आ जाएगी, ज्वेलरी नहीं मिल जाएगी, आभूषण नहीं मिल जाएंगे, कितना बटोर कर लाओगे अपने घर में? ध्यान रखिए, कहीं तो बोलो कि बस अब जो भी है वह ठीक। लेकिन आदमी की आदत है, उसे कितना भी मिल जाए और चाहिए और चाहिए। एक आदमी शादी करने के बाद पछताता है, 2 आदमी जो होते हैं ना, एक शादी के बाद पछताता है और एक मोबाइल लेने के बाद पछताता है। दोनों ये सोचते कि यार थोड़ा और रुक जाते तो नया मॉडल मिलता। समझ गए क्या? आए दिन नए मॉडल आना है बाजार में, तो आदमी सोचता यार थोड़ा और रुक जाता, इससे अच्छा नया मॉडल मिल जाता मुझे। ध्यान रखना, ये नए मॉडल कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। एक बाल्टी कुएं में जाती है, आदमी बाल्टी को डालता है, कुएं में बाल्टी जाती है, डूब जाती है, ऊपर खींचता है, बाल्टी खाली की खाली लौट आती है। गहरा कुआं, बाल्टी डाल रहा है पानी में, बाल्टी भरी नहीं रही है, ऊपर खींचता है तो खाली हो जाती है, नीचे जाए तो ऐसा लगता है कि बाल्टी भर गई है। ध्यान रखना, लेकिन बाल्टी खाली की खाली ही वापस लौटा करती है। आदमी परेशान हो गया, सुबह से शाम कुएं में डाल रहा है बाल्टी, निकाल रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, बाल्टी खाली की खाली लौट कर आती है। और एक बात याद रखो, बार बार कुएं में बाल्टी डालता है, हाथ भर जाते हैं लेकिन बाल्टी नहीं भरा करती है, बाल्टी खाली की खाली। मैं वहां से निकला, मैंने कहा क्यों रे भाई क्या कर रहा है तू, 1 घंटे से देख रहा हूं। बोले महाराज देखो ना, ये कुआं बड़ा बदतमीज है, ये कुआं बड़ा बेवकूफ है, ये कुआं बड़ा पार्सलिटी करता है। मैंने कहा क्यों? बोले अमीरों की बाल्टी भरता है और हम गरीबों की बाल्टी नहीं भरा करता। मैंने कहा ऐसा कैसा कुआं है तुम्हारे औरंगाबाद में कि अमीरों का भर दे और गरीबों का ना भरे? बोले देखो मेरे रहते रहते 50 लोग पानी भर करके ले गए, सबके घड़े भर दिए लेकिन मेरा खाली का खाली पड़ा है। मैंने कहा ऐसा कैसा, ऐसा कुआं तो नहीं हो सकता है दुनिया में। मैंने कहा इधर दिखाओ क्या बात है। मैंने कुएं में झांक करके देखा और जब झांक करके देखा, मैंने कहा बाल्टी ऊपर खींच, बाल्टी ऊपर खींची तो खाली की खाली लौट आई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले आप बताओ कैसे हो गया। मैंने कहा बाल्टी दिखाओ, वो जैसे ही बाल्टी दिखी उसके नीचे पैंदा नहीं था। ध्यान रखना है, अरे बिन पैंदे की बाल्टी पूरी जिंदगी भी पानी में डालो तो भरने वाली रस्सी थी, हैंडल था, नीचे उसके पैंदा नहीं था। मैंने कहा पागल, कुआं तो छोड़, छोटी सा पोखर भी तेरी बाल्टी भर सकता है, शर्त ये है कि पैंदा लगा ले। मान्यवर आप कहेंगे कैसा पागल आदमी था, बिना पैंदे की बाल्टी भर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी वो हम सब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जीवन के मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा नहीं है, इसलिए बाल्टी खाली की। मैं तो कहता हूं मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लो, छोटी सी जिंदगी भी आनंद में परिवर्तित हो। नहीं बदलता आदमी। एक बार नारद औरंगाबाद आ गए, अब आ गए तो आ गए,
मैं भी दूसरी जगह क्यों भेजूं, औरंगाबाद ही बुलाऊंगा, जहां रह रहा हूं वही बुलाओ ना नारद जी को। नारद औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद का एक भिखारी, अभी मत पूछना उस भिखारी का नाम बताओ, नहीं तो तुम लोग बिल्कुल तैयार ही रहते हो कि नाम बता दो जरा उसका। औरंगाबाद का एक भिखारी राजा बाजार मंदिर के सामने खड़ा, सुबह सुबह भीख मांगने के लिए, कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। सुबह सुबह उसकी किस्मत कहो या बदकिस्मती कहो, सुबह सुबह नारद मिल गए। अरे उसने कहा यार पहला ग्राहक मिला, वो भी बाबा बैरागी मिला, ये क्या देगा मुझे, मैं पहला कस्टमर है आज सुबह का, बोनी बिगाड़ रहा है बाबा, लेकिन अब मिला है तो मांगना तो पड़ेगा। जैसे ही नारद के पास गए, नारद ने कहा बोल क्या चाहता है। बोले पहले दर्शन हुए मेरे सुबह सुबह आपके। नारद ने कहा बोल वरदान मांग। बोले वरदान वरदान तो छोड़ो, मैं संतोषी प्राणी हूँ, औरंगाबाद में ज़्यादा हाय हाय नहीं होती है, हमारे पास जो है हम उसमें सुखी रहते हैं। अरे बोले ज़्यादा ज्ञान मत बांट, जब ज्ञान गंगा में सुन लूँगा, तू अपना मामला बता कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है। बोले कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह भीख मांगने निकला हूँ, मेरा भिक्षा पात्र भर दीजिए। नारद ने कहा पागल दिमाग नहीं है तुझ में, नारद से मांग रहा और इतना सा कटोरा, इतने से कटोरे को कह रहा कि इसको भर दो। बोले नारद जी एक बात ध्यान रखना, कटोरा फुल भरना। अरे फुल, बोले पागल है। बोले जो भी है। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले तू कटोरा भी नहीं भर सकता है मेरा। बोले कटोरा भर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कैसे भरेगा। तो बोले चलो मैं तुमको इंद्र सभा में ले सकता हूँ, कुबेर के पास ले जा सकता हूँ, इंद्र के पास ले जा सकता हूँ। भिखारी ने कहा चलो। बोले चलो। अरे यार, भिखारी ने कहा कि मारोगे तो नहीं। बोले क्यों। बोले स्वर्ग जाने से पहले तो मरना पड़ता है। बोले नहीं, आज सुबह सुबह तू मिला है, मैं तुझे जीते जी स्वर्ग ले सकता हूँ। जैसे ही स्वर्ग ले गए, इंद्र महाराज वहां बैठे थे। इंद्र ने कहा कि क्यों भाई नारद, तुम आए तो आए, औरंगाबाद का आइटम क्यों उठा करके ले आए हो, ये आदमी को यहाँ ले करके क्यों आ गए हो। अरे नारद बोले सुबह सुबह मिल गया, इसको दर्शन का फल दे दीजिए। अरे बोले क्यों लाया, इस आदमी को लेके क्यों आए, उसको जल्दी वापस भेज। बोले मतलब क्या है। बोले ये आदमी यदि स्वर्ग में रह गया तो 24 घंटे में नरक में बदल देगा, ध्यान रखिए, इसको नीचे फेंको, नीचे बिल्कुल, ये मृत्यु लोक में रहने वाला स्वर्ग में कैसे आ गया। नारद ने कहा जल्दी भगाना है। बोले हाँ बिल्कुल जल्दी, आदमी यहां होना ही नहीं, इंसान यहां नहीं होना। तो बोले क्या करना है। बोले इसका कटोरा भर दो यार, बहुत भूखा है इंद्र महाराज, दे दो, गरीब है बेचारा, दरिद्रता मिटा दो इसकी है। तो इंद्र ने कहा इसके लिए यार तू यहाँ काय को लेकर के आया है, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, वहीं किसी औरंगाबाद वाले को सेट कर लेता, डीवी कासली वाले के यहाँ भेज देता, इतना सा कटोरा तो वही भर के रख देते, और नहीं मिलता तो महावीर पाटनी के यहाँ भेज देता, वही कटोरा भरते और कोई ना भरे, प्रकाश अजमेरा तो भर ही देता कटोरा, ध्यान रखिए। बोले वहां ले जाओ, वहां भरा देते कटोरा। ललित जी बोल रहे हम कोई कम है क्या, हमारे यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हो, ध्यान रखना, विचार करिए, तू इसको यहाँ लेकर के क्यों आया इस कटोरे के लिए। अरे नारद बोले समय बर्बाद मत करो, दे दो ना इसको, आपके भंडार में क्या कमी है। तो बोले ठीक है। भिखारी ने कहा ध्यान रखना, फूल चाहिए, आधा अधूरा लेके नहीं जाऊंगा, फुल भरो कटोरे को। कुबेर ने कहा कि भरो, हीरे मोती के थाल आए, कटोरे में डाला, कटोरा खाली का खाली, फिर कटोरे में डाला, फिर खाली। कहते हैं 5 से 10 घंटे हो गए, वो कटोरा भर ही नहीं रहा, डाले जा रहे। नारद को तो अब पसीने आने लगे। नारद ने कहा यार इंद्र महाराज तुमने सही कहा था, मैं तो उपद्रव लेकर के आ गया हूँ, एक कटोरा में कोई होल कर रखा है, टुकड़ा छेद कर रखा है, जो नीचे गिराए जा रहा है एक कटोरा। बोले देखो नारद जी, मैंने कहा था मेरा कटोरा फुल होना चाहिए, वो बिना फुल हुए, अब मैं यहाँ से जाने वाला। नारद ने कहा यार ये तूने कौन सी फैक्ट्री से बनवाया ये कटोरा, मैं डाल दिया थाल के थाल भर करके, तेरा कटोरा भरता ही नहीं है, इधर दिखा तेरा कटोरा। बोले नहीं कटोरा नहीं दूंगा, जिंदगी तो कटोरे में है मेरी। अरे बोले फिर भी दिखा तो, कौन सी कंपनी है, कौन सा ISR मार्क का तूने कटोरा लाया, इधर ला। जैसे ही कटोरा देखा, नारद ने अपना सिर फोड़ लिया। बोले बेवकूफ, पहले ही बता देता तो मैं तुझे काय को लेकर के आता। बोले मतलब क्या है। बोले ये बता तुझे कटोरा कहाँ मिला। बोले
सुबह सुबह जा रहा था, एक शमशान घाट से गुजरा, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जो मैं लेकर के आ गया हूं। इंद्र ने कहा कि पागल आदमी, दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम। ये खोपड़ी क्यों लेकर के आ गया, विचार करिए, आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली, इसलिए तो भगवान ने उल्टी लगा दी है खोपड़ी, सीधी रख देता तो वही परेशान हो जाता भर भर के। ध्यान रखे, ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, ध्यान रखना। सबको भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम है। मान्यवर संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। संतोष रखिए, मेरे पास क्यों आए हो प्रवचन सुनने, क्यों भागे चले आते हो, मेरे पास क्या है, ना रुपया है ना पैसा है ना दौलत है ना कुछ है। और जब ये बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें सुख उसमें नहीं मिला करता है, ये सुख की तलाश में संतों के पास जाया करते हैं। ध्यान रखिए, यदि इनके पास सुख होता तो एक नंगे फकीर के सामने जाने की आदमी को जरूरत क्या हो जाती। ध्यान रखना, आपके पास धन है दौलत है रुपया है पैसा है लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ है, और मेरे तन पे कपड़े नहीं है लेकिन चेहरा खिला हुआ हुआ करता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि जगत के पदार्थों में सुख नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रख लो, सुख साधनों में नहीं होता है, सुख परमात्मा की साधना में हुआ करता है। आनंद तो परमात्मा की साधना में बरसा करता, वरना मेरे सामने आने की जरूरत क्या है तुमको, तुम्हारे पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी, एक आनंद की कमी है जीवन में। ध्यान रखना, धन दौलत से उस सुख की पूर्ति नहीं हो सकती है। सेठ मेरा भी वही है, उठाते हैं उसको, बैठा था लॉन में बैठ करके अखबार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सेठ के मन में ऐसा विचार आया, विचार कभी भी आ सकते, कहीं भी आ सकते, किसी भी क्षण आ सकते हैं, कि सेठ जरा पता तो कर तेरे पास कितनी दौलत है, अपार दौलत थी। उसने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ, जरा बही खाते तो दिखाओ, वसीयत तो दिखाओ, मेरे पास दौलत कितनी है। मुनीम ने कहा सेठ जी कैसी बात करते हो, इतने जल्दी अभी इसी वक्त इतनी दौलत है कि महीनों लगेंगे उसका हिसाब बनाने में, महीनों लगेंगे, मुझे दो चार मुनीम और लगा दो और बताओ मुझे 8 दिन के अंदर बताइए मेरे पास कितनी संपदा है। बहुत संपदा थी, विराट संपदा। मुनीम ने कहा सेठ जी चिंता मत करो, बोले चिंता इंता की बात एक तरफ रख, तू ये बता मेरे पास दौलत कितनी है। सेठ मुनीमों ने कहा 8 दिन का समय दो। 8 दिन बाद मुनीम इकट्ठे हुए, बताओ मेरे पास कितनी दौलत। बोले सेठ जी चिंता मत करो, इतनी दौलत है, तुम तो क्या तुम्हारे बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली, आज से ही दुकान जाना बंद कर दो, इतनी दौलत है कि बच्चे भी बैठकर खाएं तो धन की कमी पड़ने वाली, वो ना कमाएं 100 साल तक तो भी पैसों की कमी नहीं। सेठ बड़ा खुश हुआ। मालूम है आदमी जब सद्भाव पे दृष्टि रखता है तो खुशी मिलती है, और आदमी जब अभाव पे दृष्टि रखता है तो दुख मिला करता है। ध्यान रखिए, सुख और दुख सद्भाव और अभाव के नाम हुआ करते हैं। आपकी दृष्टि किस पर है, यदि सद्भाव पे दृष्टि है, जिसे तुम्हारे पास है उस पर दृष्टि है तो जीवन में आनंद हुआ करता है, और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण होता है। भगवान महावीर ने कहा है जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और जो तुम्हारे पास नहीं उसके पीछे पागल बनने का प्रयास मत करिए, उसके पीछे भागने का प्रयास मत करिए। आदमी की आदत है जो है उसमें सुखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मान लो आपकी जेब में 90 रुपए पड़े हैं और बाजू वाले की जेब में 10 का नोट पड़ा है, अब आपको अपना 90 नहीं दिखता, इस जुगाड़ में रहते हो कि वो 10 यहां से निकल के यहां आ जाए तो पूरे
हाँ आदत तो वही ना, कितने जल्दी बोल गए, पूरे 100 हो जाएंगे। 90 रुपये सबकी किस्मत में है, जिंदगी भर आदमी 10 रुपये के पीछे भागता है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों कि 10 रुपये मरते समय तक पूरे नहीं हुआ करते हैं। और एक बात याद रखना, 10 के पीछे जो पागल बनता है, बस पूरे 10 हो जाए मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बच्चे बड़े हो जाएं 10 का नोट, उनके बच्चे हो जाएं 10 का नोट, मेरे बच्चों का व्यापार हो जाए, 10 के पीछे पागल, 10 के पीछे पागल हो, 90 का सुख नहीं भोग रहे हो। एक दादाजी से हमने कहा कि आ जाओ हमारे साथ, चलो सन्यासी बनकर, बोले चलेंगे। मैंने कहा कब चलोगे, बोले 10 तो पूरे हो जाए जिंदगी में। मैंने कहा ये 10 कभी जिंदगी में पूरे नहीं हो, मर जाओगे लेकिन 10 का नोट ध्यान रखना। इस धरती पर परमात्मा ने सबको 90 रुपये दे करके भेजे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी वो 10 रुपये के पीछे भागा करता है आदमी, ध्यान रखिए। कभी याद ख्याल किया आपने, आपके मुंह में 32 दांत हैं, 32 ही है ना, कम ज्यादा चलेगा, 32 दांत आपके मुंह में हैं। एक दांत टूट जाए तो जीभ पूरे दिन कहाँ जाती है, बोलो बोलो, कौन बोला तुड़वा के बताएंगे। एक दांत टूट जाए जीभ बार बार उसी के पीछे जाती, उसी के पीछे जाती, उसी को जाती, वहीं जीभ जाएगी, वहीं अड़ेगी, उससे ही भिड़ेगी। कैसी नादान जीभ है, अरे पगली, 31 दांत का सुख भोग, एक के लिए पागल काय को हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन जो नहीं है उसके पीछे हमारा मन जाता है, उसके पीछे हमारा जीवन दौड़ा जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, ये हमारी सोच हुआ करती है, ध्यान रखना। अपने आप में जीने का प्रयास कियो, खुद में जीने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, जो है उसका आनंद बटोरो, बहुत कुछ तुम्हारे पास है।